हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? ना इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट है। ओके, और हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज का स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक क्या है, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन के वजह से जो प्रोड्यूस होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जिस तरह इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में है स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, इसमें हम लोग कह सकते हैं क्या स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। यानी क्या कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग एक ग्लास रॉड को कॉटन के साथ रब कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या होता है, वो एक्चुअली ग्लास रॉड क्या होता है, चार्ज हो जाता है, वो फिर दूसरा कुछ या पेपर वेपर पेपर का टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक पेन को हेयर में जैसे रब किया उसके बाद वो क्या किया, बेड्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। तो ये सो जितना भी ये फ्रिक्शन के वजह से ही होता है, ठीक है, और इसी को कहते क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, अब देखेंगे हम लोग क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी चार्ज क्या रहेगा इसमें मोशन में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। हालांकि हम लोग को ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही अब हम लोग देखेंगे क्या कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी चार्ज को हम लोग देखेंगे क्या मोशन में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहला है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या कि मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी क्या कि जैसे एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेगा, मोशन में कर देगा किसी वजह से, जैसे हम लोग बोले थे अभी कि इसको हम रब करेंगे हेयर पे और वो पेपर को अट्रैक्ट करेगा, तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कुछ फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रोड्यूस फोर्स प्रोड्यूस होगा किसके कारण, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ठीक है, और ये इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, क्या क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते और नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जिस तरह हमारा मास कंजर्व रहता है उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, यानी द टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। यानी जितना भी अलग अलग चार्ज जो आएगा, वो जो टोटल चार्ज जो निकलेगा वो क्या होगा, उन अलग अलग चार्ज को ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्या निकलेगा, टोटल चार्ज निकलेगा। यानी क्या, चार्ज हमको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तीसरा क्या है कि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और फोर्थ है हमारा क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी क्या कि Q इक्वल टू एन ही होता है। ठीक है, क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका एन टाइम्स, यानी क्या कि वो इंटीग्रल मल्टीपल, कितना गुना वो है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कितना गुना रहता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के से। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। यानी ये बहुत ही अक्सर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्या कि कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन रहता है एक कूलम चार्ज में। ठीक है,
तो हमारा देखते हैं जिस तरह यहाँ पे फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है, तो क्यू का वैल्यू तो हमारा क्या है, क्यू ही रहेगा, ठीक है, सॉरी क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, वन कूलम। उसके बाद एन का वैल्यू, एन क्या होगा हमारा, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है ना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ओके।